सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पहचाना मुझे? पहचान तो लिया ही होगा, मेरे देशवासी मुझे भूल भी कैसे सकते हैं। मैं मेजर सोमनाथ शर्मा, मेरा जन्म 31 जनवरी 1923 में कांगड़ा के दाद में हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की थी। मेरी देशभक्ति और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने की इच्छा के कारण मैंने सैनिक बनना निश्चित किया। 22 फरवरी 1942 में मेरी भर्ती सेना में हुई और आजादी से पहले तक मुझे ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन। अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई। हमारे देश के दो हिस्से हो गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। बंटवारे के समय कश्मीर हमारे हिस्से आया, लेकिन पाकिस्तान को यह बात दोबारा ना थी और 3 नवंबर 1947 को उन्होंने भारत पर हमला कर दिया। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने देश पर आज नहीं आने दूंगा, मैं अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से दुश्मन का सामना करूंगा। मैं भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन में डेल्टा कंपनी का कमांडर था। मैंने यह ऐलान कर दिया था कि जब तक मेरी रेजिमेंट का एक भी जवान जीवित है और जब तक मेरी बंदूक में एक भी गोली बची है, मैं दुश्मन आगे न बढ़ने पाए, डटे रहो। दाएं हाथ में चोट होने के कारण मैं बंदूक नहीं चला सकता था, लेकिन मैं शांत भी नहीं बैठ सकता था। मैं मौत से बेखौफ इधर उधर भागकर अपने साथियों के पास जाता और उनकी बंदूक में गोलियां भरता। दुश्मन के लगातार गोलियां चलाने के कारण मैं बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और शहीद होने से पहले मैंने आखिरी संदेश भेजा। दुश्मन हमसे बस 50 कदम की दूरी पर है, उनकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और हम आखिर तक यह लड़ाई लड़ेंगे।